हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका इजी एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी नई वीडियोज़ आसानी से और सबसे पहले पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 4 मानचित्र है। इससे पहले हम सौरमंडल में पृथ्वी, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर और पृथ्वी की गति, ये 3 चैप्टर हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का हमारा अध्याय है, चैप्टर है, वो मानचित्र है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना ही उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। तो मानचित्र क्या है हमारा? मानचित्र है हमारा पृथ्वी की सतह पर इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटा सतह पर खींचा गया चित्र हमारा मानचित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है, तो दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे है आपका भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होते हैं? देखिए, प्रकृति की पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं या कहा जाता है। उसके बाद है आपका राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र कौन से होते हैं? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों में राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं या कहा जाता है। उसके बाद है थेमेटिक मानचित्र। थेमेटिक मानचित्र कौन से होते हैं? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम थेमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। तो मानचित्र हमारे कितने तरीक़े के हैं? पहला है भौतिक मानचित्र, उसके बाद है राजनीतिक मानचित्र और फिर है थेमेटिक मानचित्र। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया गया है। देखिए कौन कौन से हैं। मानचित्र के 3 घटक हैं जो कि हैं दूरी, दिशा और प्रतीक। अब हम देखेंगे इनके बारे में कि करके जानेंगे कि सबसे पहले हमारा दूरी। दूरी क्या है? मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है।
जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर की को दर्शाएगा आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर है 5 किलोमीटर के। तो इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। तो ये एक मानचित्र दे रखा है, देखिए एक गाँव का मानचित्र दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे ये सामुदायिक केंद्र दे रखा है, यहाँ पे ये पेड़, खेल का मैदान, उसके बाद ये पीओ, इधर से रास्ते दे रखे हैं, ये कुआ है, विद्यालय है, विकास का घर, शीला का घर, करीम, और इसके बाद फलोद्यान, दुकानें। तो ये एक छोटा सा एक मानचित्र दे रखा है और उसका जो पैमाना दे रखा है, देखिए मीटर पैमाना, मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर दे रखा है 10 मीटर के। तो ये गांव का चित्र था, ठीक है। अब ये दूरी आपको इससे समझ आ गई कि दूरी क्या है, दूरी में मेन पैमाना है। उसके बाद है आपका जो अगला है विवरण है, वो है दिशा। देखो दिशा क्या होता है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान द्विगबंधु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर, पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 में निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से समुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालयों की दिशा। देखिए तो ये था हमारा 4.1 जो हमारा एक मानचित्र दे रखा था जो हमने कुछ समय पहले देखा था। तो इसके अंदर हमने दुकानें देखी, विकास का घर, शीला का घर, तो ये सारा कुछ हमने देखा था। तो इसमें हम पता लगा सकते हैं किसी भी चीज़ को देख के हम, कि अगर हमें कहीं जाना हो जैसे कि हमें विद्यालय जाना हो तो उसका रास्ता देख सकते हैं, खेल का मैदान हमें जाना हो तो उसका रास्ता देख सकते हैं, अगर किसी के घर जाना हो तो उसका रास्ता भी देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं, हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। अच्छा जी, आगे अब देखते हैं, अब तक हमने दूरी देख ली, दिशा के बारे में देख लिया, अब हम देखते हैं प्रतीक। प्रतीक क्या होता है? यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तब आप इन चिन्हों का या चिन्हों की सहायता
के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, ये रूड प्रतीक कहे जाते हैं। तो रूड प्रतीक कहे जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें एक ये निशान दे रखे हैं कुछ, जैसे कि देखिए ये रूट चिन्ह है हमारे रेलवे लाइन, अगर बड़ी लाइन हो तो देखिए ये वाली इसका चिन्ह देंगे, मीटर लाइन है तो ये वाली, रेलवे स्टेशन है तो ये वाला चिन्ह होगा, सड़कें अगर पक्की कच्ची हो तो, अगर सड़कें पक्की हो तो ये वाला, कच्ची हो तो ये वाला चिन्ह होगा, सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं इस तरीके से दिखाई जाती हैं, राज्य की सीमा इस तरीके से दिखाई जाती हैं और जिले की सीमाएं इस तरीके से दिखाई जाती हैं। नदी, कुआ, तालाब, नहर, पुल, देखिए नदियों का ये चिन्ह होता है, कुओं का ये, तालाब इस तरीके से दिखाए जाते हैं, नहर इस तरीके से दिखाई जाती है और पुल इस तरीके से। तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, छतरी, तो ये इनको इन तरीके से दिखाया जाता है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राम ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है, ये डिनोट किया जाता है। बस्ती, कब्रिस्तान को इस तरीके से दिखाया जाता है। पेड़, घास, इनको इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चिन्ह होते हैं जिनको हम अगर ध्यान में रखें, या फिर ये हर चित्र के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे हम किसी कुछ चीज़ को डिनोट करते हैं, तो उन्हीं को हम रूढ़ी चिन्ह कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, जैसे कि अभी एक मैप दे रखा है हमारे सामने, एक चित्र दे रखा है सुंदरपुर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र, देखिए इसमें हर चीज़ दे रखी है, वसंतपुर, जितने भी हमें अभी चिन्ह दिखाए गए थे सारे चिन्हों का इस्तेमाल किया गया है। तो रूढ़ प्रतीक आपको समझ आ गए, जितने भी चिन्ह थे मैंने अभी आपको पहले बताए थे वो सारे आपके रूढ़ प्रतीक कहे जाती हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं रेखाचित्र। देखिए रेखाचित्र क्या है, रेखाचित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर यदा और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चा आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। ये थी छोटी सी जानकारी। अब देखिए इसमें एक चीज़ दे रखी है खाका। अब तक सारी चीज़ें देखिए, दूरी, दिशा और उसके बाद पैमाना, उसके बाद देखी थी रेखाचित्र, रेखाचित्र से पहले देखा था प्रतीक, ठीक है। इन सब चीज़ों के बाद अब खाका, खाका देखो क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखाचित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो खाका आपको समझ आ गया, आपका एक लेक्चर जिसमें आपने मानचित्र के बारे में जाना। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।